let me give you another example. How to read a judgment? Latest judgment जो government लाया थे, उसने एक medical fraternity में hue and cry create किया कि for operating ICU is mandatory. आपको WhatsApp पे आया होगा? है ना? For ICU is mandatory for any hospital if they wanted to operate a patient. अब इसके कई interpretation हुए. Advocate ने अपने तरह से interpret किया और doctors ने अपनी तरह से interpret. Doctor को तो डर गए क्योंकि आज 80% hospital without ICU है. और जो डॉक्टर के पास आईसीयू नहीं है तो सोचेगा मेरा बंद, मैं भी यहां तो कोई प्रोसीजर नहीं कर सकता हूं, नेचुरल है. तो जब ह्यू एंड क्राई हुआ तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना चालू किया. डॉक्टरों ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने मरतोर मरोड़ के पेश किया है, डरने की जरूरत नहीं. आपको भी आया होगा. और एडवोकेट ने भी बोला, प्रेजेंट किया कि नहीं, यू शुड बी केयरफुल. बट सिंस टुमारो यू आर गोइंग टू बिकम अ मेडिको लीगल कंसल्टेंट, मल्टीपल questions are going to raise with you because you are having an upper hand. You have got a government certificate upper hand. So people are going to ask you. So let me guide you how to interpret the judgment, which even I have read the judgment. Because मेरे को बहुत सारे calls हैं, बहुत सारे, क्योंकि लोग expect करने लगे कि मैं answer दूँ. And then I have read the judgment whole and I have actually interpreted. One thing is very clear, इतना समझ के रखना कि Times of India के बाद भी legal team बैठी हुई है. वो पागल नहीं है. अगर कुछ लिखते हैं जो 12 लाख रीडर पढ़ने वाले हैं तो वो कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे. इतना तो आप सेंसफुल रहेंगे. लेकिन मैं आपको रीड करना बताता हूँ, जजमेंट कैसे रीड करना. क्योंकि जब भी आप जजमेंट रीड करते हो तो जजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है फुल स्टॉप और कॉमा को भी पढ़ना एक, और जजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है होल पढ़ना, पार्ट नहीं. जब आप पार्ट पढ़ोगे तो उसका मीनिंग अलग निकलता है, जब होल पढ़ोगे तो मीनिंग अलग निकलती है. जैसे कि अगर कोई भी लेमैन ऑपरेशन करने आ रहा है, आप ऑपरेशन कर रहे हो और कोई लेमैन सडनली बीच में आता है और कांच में से देखता है कि आप नाइफ यूज कर रहे हो तो उसको लगेगा आप मर्डर कर रहे हो, उसको पूरी स्टोरी नहीं मालूम है. लेकिन अगर उसको पूरी स्टोरी मालूम होगी तो वो डेफिनेटली बोलेगा ये सर्जरी है. आप समझ रहे हो ना? वैसे ही जजमेंट को अगर आधा पढ़ोगे तो उसकी मीनिंग डिफरेंट निकली. अब लोगों ने उसका हाफ पढ़ा, मैं आपको पूरा पढ़ता हूं. ये केस के अंदर क्या हुआ है, जब पेशेंट ने एलिगेट किया था डेथ के अंदर कि ये केस के अंदर स्टेट कमीशन में मैटर गया, उसमें 3 पॉइंट एलिगेशन के थे कंप्लेंट में. ध्यान से सुनना, मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं कि 3 पॉइंट गया था, बाकी 2 पॉइंट को डिफेंड किया इसने अपोजिट पार्टी ने. तीसरा पॉइंट लिखा था कि यह हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू फैसिलिटी नहीं है, फिर भी मेरे पेशेंट को ऑपरेट किया गया इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट कि ऑपरेशन हैज गॉट अ रिस्क ऑफ लाइफ एंड देन बैकअप फैसिलिटी वाज नॉट अवेलेबल. और वर्स्ट पार्ट क्या है, हमारे डॉक्टर लोगों ने या उसके एडवोकेट ने उसको अपोज ही नहीं किया. तो व्हेन यू डोंट अपोज इट, इट हैज गॉट अनदर मीनिंग इन द लॉ, दैट इज इट डीम दैट यू हैव एक्सेप्टेड. अगर आपने कैटेगरिकली उसको अपोज नहीं किया है तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है. वही जब नेशनल कमीशन में गया तो सेम सिचुएशन थी. सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया, इसके पैराग्राफ 8 के अंदर, जो लोगों ने नहीं पढ़ा, पैराग्राफ 8 के अंदर ये चीजें बहुत ही क्लियरली लिखी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस वॉज प्रेजेंटेड टू द स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन वेयर इन पैराग्राफ 3rd, दैट द 3rd पॉइंट विच वॉज नॉट एट ऑल डिनाइड बाई द अपोजिट पार्टी. जब अपोजिट पार्टी ने डिनाई नहीं किया है, इट मीन दैट ही हैज एक्सेप्टेड इट. एंड फिर पैराग्राफ 15 में उन्होंने लिखा है कि नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन इज इग्नोर्ड टू लुक टू थिंग्स. एंड फिर उन्होंने स्पेसिफाई किया इफ देयर इज नो आईसीयू इन अ हॉस्पिटल एंड ऑपरेशन इज डन, इट इज गोइंग टू बी अ ड्रास्टिक सिचुएशन इन सच अ हॉस्पिटल. उसके बाद उन्होंने फुल स्टॉप दिया है. पैराग्राफ आप वापस पढ़ना. फुल स्टॉप का मतलब सेंटेंस इज कंप्लीट, दैट हैज गॉट कंप्लीट इटसेल्फ मीनिंग. फिर उन्होंने लिखा है अपोजिट पार्टी हैज नॉट अपोज्ड दिस, मतलब डॉक्टर लोगों ने अपोज नहीं किया है, हेंस कंपनसेशन ऑफ 5 लाख रुपीज. मतलब क्या हो गया, इट इफ यू रीड द मीनिंग कि मैंने डिनाई नहीं किया मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए कंपनसेशन जो 3 लाख का था 5 लाख किया, मतलब क्या, नेग्लिजेंस प्रूफ. तो अब एक रूल नहीं हो गया क्या? नाउ इट इज अ रूल.
if you don't have an ICU and you're operating, government has not come with a notification. It doesn't mean that you are not allowed to. You can run a hospital. लेकिन कल को अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है और आप मेडिको लीगल कंसल्टेंट हैं, आप डॉक्टर को फाइट कर रहे हो, अब प्रे करना ऐसे हॉस्पिटल में कि सामने वाले के पास ये जजमेंट नहीं हो या वो जजमेंट नहीं डाले, तो आप सुपर दूपर हो। अगर वो जजमेंट डालेगा तो आपको नया कुछ डिफेंस प्रिपेयर करना होगा। और अगर आप पेशेंट की तरफ से लड़ रहे हो किसी भी डॉक्टर के अगेंस्ट में और आपको वो पॉइंट मिल रहा है और आपको जजमेंट मालूम है, तो आपने वो जजमेंट जरूर डालना, क्योंकि वो जजमेंट का हैज गॉट अ कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ। Judgment, it doesn't mean that it should be implemented, it should be a part and a rule to stop your hospital. Unless government comes with a special notification under Nursing Home Act, amend it and create something, the nursing will be given a permission without ICU also. So that means government is giving permission to running of the nursing home and the judgment has got no direct connection. Unless it has been taken cognizance by the government of India or government of Maharashtra. So judgment जब पढ़ना है ना, तो judgment पूरा पढ़ना, full stop देखना, comma मतलब continuity meaning आ गई, full stop मतलब complete meaning आ गई, and then interpret करना. Because tomorrow you are going to learn all these things. So we are going to have a journey of knowing lots of things in this particular scenario. This was just an introduction, just to make you understand how important this particular subject is. Believe me. I am here with all great support system to your people to make you learn a lot of things. I am going to share my 12 years of experiences of handling the cases in a practical way, because I believe in a practicality than theoretical. Because theory ke hisab se aap bhi practice karte to kai problems aap face karte, aap practical hisab se practice karte ho, isliye aap situation ko hamesha hi स्कोर ओवर करते हो। जब सर्जरी कर रहे हो तो सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन आते हैं जहां आपका प्रैक्टिकल नॉलेज काम आता है, थियोरेटिकल नॉलेज काम नहीं आता, बुक की नॉलेज काम नहीं आते। तो थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल का इम्पेक्ट है और प्रैक्टिकल ही इंसान को बनाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑफ प्रैक्टिकल टॉक देन द थियोरेटिकल टॉक। थियरी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल हैंडलिंग ऑफ द केसेस सिचुएशन बताऊंगा। बिकॉज एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक केस में गया था जहां ये फिजिशियन ने पेशेंट को ट्रीट किया था और पेशेंट एक्सपायर हो गया था, माहौल खराब हो गया, इलेक्शन का टाइम था बॉम्बे में, 3 नगर सेवक लोकल वाले पहुंच गए और करीब 200-250 का मॉब हॉस्पिटल के सामने था। अब मेरे मुझे कॉल आया, पुलिस ऑफिसर तक पहुंच गए, पुलिस ऑफिसर, मैंने उनको ये बोला कि यू इमीडिएटली कॉल अ पुलिस ऑफिसर, लेकिन 250-300 की मॉब, उसको पुलिस ऑफिसर के 10 बंदे भी तो मैनेज नहीं कर सकते थे, और सबका एक ही था कि हमको डॉक्टर को हाथ में दो या डॉक्टर को लेके आओ। और पुलिस बार बार बोल रही थी कि हम डॉक्टर को प्रोटेक्शन में लेके जाते हैं, आप हमको ले लीजिए। और मुझे जब पेशेंट का कॉल आया था तो मैंने इतनी बोला था कि यू डोंट शो दैट यू आर देयर, यू लेट द हॉस्पिटल पीपल से दैट यू आर नॉट देयर, इफ ही कम्स वी विल डेफिनेटली, एंड ही वाज इनसाइड हॉस्पिटल इटसेल्फ। अब ये सिचुएशन प्रैक्टिकल सिचुएशन, अब इसमें अगर आप थियोरेटिकली बोलोगे कि भाई काम कर तू चले जा, मॉब के सामने उसको कम्युनिकेट कर, उससे बात कर, तो आपको लगता है ये एग्रेसिव मॉब उसकी कोई बात सुनेगा? वो तो पहले वायलेंट होगा उसके बाद बात करेगा, दैट इज नॉट अ सिचुएशन। दूसरा, मैं अगर बोलता हूं कि पुलिस कस्टडी में चले जा, तो आपको लगता है पुलिस के पास इतनी पावर है कि उसको बाहर लेके आएंगे एंड देन यू कैन सेव दिस डॉक्टर? तो ये सिचुएशन में प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या था कि केस तो बनना नहीं है, ये सब आप सीखोगे कि डॉक्टर के ऊपर केस जगह पे नहीं बनती, डॉक्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो एक ही थी कि यू सामने मत आओ। मैंने उसको बोला कि यू बी देयर, लेट मी सी व्हाट वी कैन डू, और मैं उससे पूरा स्ट्रक्चर पता कर लिया हॉस्पिटल में कि इस देर इज एनी वे टू कम आउट, एंड उसके प्लानिंग के हिसाब से वी पर्सनली गॉन देयर एंड फ्रॉम बैक डोर वी ब्रॉट दिस डॉक्टर आउट। उसको मालूम था कि अगर मैं वही ड्रेस पे जाऊंगा तो चेंज मतलब लोग पहचान जाएंगे, फ्रेंड के थ्रू उसने अंदर टी शर्ट वी शर्ट भेज के डिफरेंट ड्रेस में, सो दैट ही कैन स्मूथली इंस्टेड ऑफ कार बाइक पे निकल गया, एंड बाद में थिंग्स गॉट मैनेज्ड, क्योंकि मॉब को जब डॉक्टर नहीं मिला तो मॉब चली गई, मॉब जब चली गई उसका पुलिस का ही था, पुलिस से बात किया, बिकॉज मल्टीपल जजमेंट्स आर देयर व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद योर पीपल, कि डॉक्टर कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन द स्पॉट, बट दिस वॉज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। बहुत जगह पे आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है, वहां थियोरेटिकल काम नहीं आता।
तो दीज आर द एक्सपीरियंस से मैंने सीखा 12 साल के, विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, सो दैट 12 साल आपको मेहनत नहीं करना पड़ता ये चीज सीखने के लिए. मैं तो रेडीमेड देखे जाऊंगा, इसके आगे आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना है, रोज केसेस देख के आपको सीखना है.